दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सरेंडर की। तो दोस्तों LIC पॉलिसी सरेंडर कराने से हमेशा ही पॉलिसी होल्डर का लॉस होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लोगों को सरेंडर कराना पड़ता है। तो दोस्तों उस बारे में भी मैं बात करूंगा कि कितनी कैटेगरी होती है सरेंडर कराने के, मतलब मन में क्या सवाल आते हैं पॉलिसी होल्डर के और वो सरेंडर कराते हैं। और दोस्तों बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सरेंडर कराते समय, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा और बार बार LIC के आपके ऑफिस के चक्कर ना लगे सरेंडर कराने के समय। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों मैंने तीन कैटेगरी में बांटा है सरेंडर लेने वाले लोगों की लिस्ट में। तो पहले जो आता है दोस्तों वो बंदा या पॉलिसी होल्डर कह लीजिए जिसकी जबरदस्ती पॉलिसी करी गई हो एजेंट के द्वारा, और वो मजबूरी में 3 साल उस पॉलिसी को कंटिन्यू करता है और सरेंडर कराता है ताकि उसको उसका जमा किया हुआ पैसा मिल सके। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो वो भी सरेंडर कराते हैं, यानी वो प्रीमियम नहीं भर पाते। तो दोस्तों ये हो गई कैटेगरी एक। और दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों कि कस्टमर या पॉलिसी होल्डर को जरूरत होती है पैसों की कुछ समय के लिए, और पॉलिसी उन्होंने चलाई होती है 5 साल 10 साल और उनको पैसों की आवश्यकता होती है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना पॉलिसी को सरेंडर करा करके पैसे ले लिए जाएं और 2-3 महीने बाद फिर एक नई पॉलिसी शुरू की जाए। तो दोस्तों इस कैटेगरी के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना कराएं बल्कि उस पे लोन ले लें, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा और आप उसको रीपे कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि सरेंडर क्यों कराते हैं, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कारण से उन्होंने पॉलिसी ली और अब वो नहीं भरना चाहते, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती उनको और ना ही मैच्योरिटी पे मिलने वाली रकम में कोई भी दिक्कत होती है, या उनको पैसे कम मिल रहे हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस वो बंद करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन उनको लॉस ना हो, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ये तीसरी कैटेगरी है जो कि सरेंडर कराते हैं। तो पहली कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको हम नहीं समझा सकते कि भाई आप सरेंडर मत कराइए, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो बना हुआ है कि हमको 3 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर कराना है, जो कि लॉस होता है और भी ज्यादा लॉस हो जाता है सरेंडर कराते समय। यानी मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए भर दिया है 3 साल के अंदर तो आपको 70% यानी 70,000 रुपए के आसपास ही मिलेगा, 60,000 से 70,000 के बीच में, तो सरेंडर में हमेशा नुकसान होता है। और दूसरी कैटेगरी वालों को मैंने बता दिया है कि वो अगर लोन ले लेते हैं तो काफी बेहतर है उनके लिए, और उसको रीपेमेंट कर दें लोन को, जो कि काफी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, लगभग 10.5% के इंटरेस्ट रेट पे मिलता है सालाना, और आपका रिस्क कवर भी बना रहता है, पॉलिसी भी बरकरार रहती है और कोई बर्डन नहीं होता कि आपको अभी पैसा देना है, 6 महीने बाद दे सकते हैं, साल भर बाद दे सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि कई लोग ये होता है कि बैंकों से लोन ना लेना चाहते हैं, क्योंकि बैंकों से लोन लेने का मतलब होता है कि सडनली पे भी करना होता है किस्तों के रूप में, तो यहाँ आपको कोई बंदिश नहीं होती। तो सरेंडर एक बेहतर विकल्प नहीं है उन लोगों के लिए जिनको कुछ समय के लिए पैसा चाहिए और वो चलाने में भी पॉलिसी सक्षम है लेकिन जानकारी कम होने की वजह से वो लोग पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं, तो सरेंडर हमेशा नुकसान देता है। और जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पैसों की भी जरूरत नहीं है, पैसे चले गए हैं 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मैच्योरिटी मिलेगा, तो वो सरेंडर कराने जरूर जाते हैं, लेकिन उनको भी मैं बता दूं कि अगर वो टर्म तक ले जाते हैं पॉलिसी को बिना किसी प्रीमियम के भी तो उनको ब्याज के साथ पैसा मिलता है। यानी मान लीजिए किसी ने 20 साल के लिए पॉलिसी खरीदी है और 10 साल उन्होंने पॉलिसी भरी, लेकिन अब वो इच्छा नहीं है कि वो पॉलिसी चलाएं क्योंकि पैसों की उनके पास कमी नहीं है,
पैसे आज मिले चाहे 10 साल बाद मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम उन्होंने पॉलिसी जरूर खरीद ली थी किसी के यार दोस्त के कहने पर या कैसे भी एजेंट के दबाव में रिश्तेदारी में तो ले ली थी, लेकिन उनको पैसों की जरूरत अभी भी नहीं है और 10 साल बाद भी मिलते हैं तो ठीक है। तो उनको चाहिए कि उस पॉलिसी को कंटिन्यू ना करें लेकिन सरेंडर भी ना करें जब तक उसका टर्म पूरा नहीं हो जाता। अगर जब टर्म पूरा हो जाता है तो उनको काफी अच्छी वैल्यू मिलेगी बिगर भरे पॉलिसी के, यानी 10 साल तो भरा है उन्होंने, बाकी 10 साल नहीं भरा लेकिन मैच्योरिटी पे उनको ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो सरेंडर ना करें, नुकसान होता है। आप सरेंडर कभी भी करेंगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। इसके अच्छा कि आप उस पॉलिसी की प्रीमियम बंद कर दें, पॉलिसी का पैसा पड़ा रहने दीजिए LIC में, तो लास्ट में जो मैच्योरिटी आएगी वो आपको जरूर मिलेगी प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों अब अगर आप लोग सरेंडर कराने जा रहे हैं LIC की पॉलिसी LIC के ऑफिस में, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? पहला तो पॉलिसी बॉन्ड लगेगा जो कि ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, और एक ID प्रूफ, अगर पैसों की रकम ज्यादा है तो पैन कार्ड, और कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी इसको जरूर साथ लेके जाएं। कैंसिल चेक पे नाम होना बहुत जरूरी है जो कि पॉलिसी होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट का नाम सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस पाया जाता है तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि सेम पर्सन का, कि फलाना और फलाना सेम पर्सन है, उसके लिए नोटरी या अर्थ कमिश्नर का एफिडेविट लगेगा, तो ये चीज जरूरी है, ले जा सकते हैं। और कैंसिल चेक आप जरूरी है जिसमें आपको बैंक का पैसा मंगाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप साथ ले जाएं, बार बार आपके चक्कर नहीं लगेंगे। और सरेंडर का पैसा 15 दिन के अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, ये एक टाइम बाउंड है, और 15 दिन के अंदर सरेंडर का पैसा आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो और आने वाली मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।